आज हम बनाने जा रहे हैं रोहू फिश करी। ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बनाने में बहुत आसान है। दोस्तों, मैं हूँ गौरव और स्वागत है आपका गौरव किचन में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमने यहाँ 1 kg रोहू फिश ले लिया है और इसे हमने अच्छे से धो लिया है। अब इसे हमें मैरिनेट करना है, तो सबसे पहले इसमें डाल लेते हैं 1 tbsp हल्दी, 1 tbsp नमक, 1 tbsp कश्मीरी मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिश के दोनों साइड पे अच्छे से मसाला लगा लेते हैं और इसे हम आधे घंटे के लिए रख देते हैं मैरिनेट होने के लिए। दोस्तों, अब फिश को हमें फ्राई करना है, तो एक पैन में हम ऑयल डाल लेते हैं। फिश फ्राई करते वक्त ऑयल थोड़ा ज्यादा ही लगता है, मैं यहाँ मस्टर्ड ऑयल डाल रहा हूँ। ऑयल गर्म होते ही अब इसमें हम फिश डाल लेते हैं फ्राई करने के लिए। दोस्तों, फिश को हमें एक साइड से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है, वो भी मीडियम फ्लेम पे। 3 मिनट बाद हम इसे दूसरे साइड पलट लेते हैं और इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों, अब फिश फ्राई हो चुकी है, तो आइए अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। दोस्तों, ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से हमारी फिश फ्राई हो चुकी है। आप इसे एज ए स्टार्टर भी खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी है। दोस्तों, अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं। तो 1.5 tbsp खड़ी धनिया लिया है, 15-20 लहसुन की कलियां और 2 medium size के प्याज, 7-8 लाल सूखी मिर्चें और यहाँ हमने पीली सरसों ली है 1.5 tbsp और साथ में 8-10 काली मिर्चें और 1.5 tbsp जीरा। अब इन सब खड़े मसालों को हम मिक्सी में डाल के इसे हम अच्छे से पीस लेते हैं। दोस्तों, अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक पैन में आधी कटोरी में ऑयल डाल रहा हूँ। ऑयल गरम होते ही इसमें मैं 1/2 tbsp मेथी दाना डाल रहा हूँ और इसे हम 1 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अब जो खड़े मसाले हमने मिक्सी में पीसे थे वो इसमें हम डाल लेते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करके इसमें 1/2 tbsp हल्दी डाल देते हैं और 1/2 tbsp कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल के इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे ढक देते हैं 10 मिनट के लिए। दोस्तों, 10 मिनट बाद ढक्कन हटा लेते हैं और ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है। तो आइए अब इसे हम मिक्स करके इसमें 2 medium size के टमाटर डाल लेते हैं और साथ ही थोड़ा नमक डाल लेते हैं ताकि टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक लेते हैं। ये देखिए टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, तो आइए एक बार हम मिक्स कर लेते हैं और इसमें पानी डाल लेते हैं। मैं यहाँ 1.5 coffee cup वार्म वाटर ऐड कर रहा हूँ। अब हम फ्लेम को हाई कर लेते हैं और 1 उबाल आने पे इसमें हम फिश डाल देते हैं और इसे हम साइड से मिक्स करके इसे हम ढक लेते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। दोस्तों, 3 से 4 मिनट बाद मैं इसमें 1/2 tbsp लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ मुझे कुछ तीखा कम लगा। आप जितना तीखा खाते हो आप उस हिसाब से इसमें ऐड कर लें। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेते हैं और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हरी धनिया डाल के हम गैस को ऑफ कर लेते हैं। दोस्तों, ये देखिए अब आपकी सुपर टेस्टी फिश करी बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि रेसिपी आपको कैसी लगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।